दोस्तों, अगर आपने इस स्टोरी के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बाबा के पीछे से खूनी पिग आता है और खूनी पिग को देखकर गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, और थोड़ी ही देर बाद छरकटा भी बाबा के घर से बाहर आता है और ये देखकर गुल्ली बुल्ली और भी ज़्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद जो बाबा होते हैं वो गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, अरे गुल्ली बुल्ली, तुमने अभी ही डर गए, अभी असली चीज़ तुमने देखी कहाँ है, अब ये देखो। और इतना बोलकर बाबा अपना असली रूप दिखा देते हैं, और ये इसका मतलब ये नकली बाबा है। और नकली बाबा को देखकर गुल्ली बुल्ली बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाते हैं। और इसके बाद बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गुल्ली, आखिर ये नकली बाबा कहाँ से आ गया और अब हम क्या करें, जल्दी से यहाँ से हमें भागना चाहिए, नहीं तो ये तीनों मिलकर हम दोनों को मार डालेंगे। बुल्ली की बातें सुनकर गुल्ली बुल्ली से कहता है कि हाँ बुल्ली, तुम ठीक कह रहे हो, अब हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना ये तीनों हम दोनों को मार डालेंगे, और हमें असली बाबा को भी तो ढूंढना है और शॉन को भी ये बात बतानी होगी। अब चलो, बिना टाइम वेस्ट किए हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, पूरी जोर लगा कर भागना। और इसके बाद गुल्ली और बुल्ली पूरी ताकत से भागने लग जाते हैं, और नकली बाबा और खूनी पिग और सरकटा इन दोनों को भागता हुआ देख रहे होते हैं चुपचाप। गुल्ली बुल्ली वहां से निकलने ही वाले होते हैं, और ये देखकर नकली बाबा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और नकली बाबा ये सब देखकर खूनी पिग से कहता है कि खूनी पिग, यहाँ खड़े खड़े गुल्ली बुल्ली को भागता क्यों देख रहे हो, और मेरा मुंह मत देखो, यहीं ही जाकर उन दोनों को पकड़ो, अगर वो दोनों भाग गए तो हमारे बहुत दिक्कत हो जाएंगे और हमारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद खूनी पिग बाबा की बातें सुनकर प्लान बनाने लगता है कि किस तरह गुल्ली बुल्ली को पकड़ा जाए। और इसके बाद बाबा सरकटा से भी बोलते हैं कि सरकटा, जल्दी से जाकर तुम भी खूनी पिग का हाथ बटाओ उन दोनों को पकड़ने में, और अगर तुम दोनों ने उन दोनों को पकड़ने में जरा भी गलती कर दी और अगर उन दोनों में से कोई भी भाग गया तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और इसके बाद खूनी पिग बाबा की बातें सुनकर बाबा का भागने की तैयारी करने लग जाता है, लेकिन पहले वो बाबा को फनी स्टाइल में सैल्यूट करता है और फिर वो दौड़ लगा देता है गुल्ली बुल्ली को पकड़ने के लिए। खूनी पिग वहाँ से भाग ही रहा होता है कि तभी भागते भागते खूनी पिग रुक जाता है और गुल्ली बुल्ली पर बैट से अपने हमला कर देता है, और ये बैट सीधा जाकर बुल्ली के पैर में लगता है जिससे बुल्ली गिर जाता है और इसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है उसके पैर में। और ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली के पास रुक जाता है और बुल्ली से कहता है कि बुल्ली, उठने की कोशिश करो, हमें यहाँ से निकलना है और मैं तुम्हें यहाँ यूँ ही अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, और जल्दी से उठो, अगर तुम नहीं उठ पा रहे हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जाने में। और ये सब सुनकर बुल्ली गुल्ली से कहता है कि नहीं गुल्ली, तुम ऐसा कुछ मत करो, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे मेरे पैर महसूस नहीं हो रहे और मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुका है, और तुम यहाँ से चले जाओ मुझे अकेला छोड़कर, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं मरूंगा नहीं, तुम्हारे लिए ज़रूर जिंदा रहूंगा। और इसके बाद बुल्ली इतना बोलकर बेहोश हो जाता है, और ये सब देखकर गुल्ली को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वो काफ़ी दुखी होकर बुल्ली को देखने लग जाता है। बुल्ली ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो दुखी होकर बुल्ली को देख रहा होता है। थोड़ी देर रुकने के बाद गुल्ली देखता है कि खूनी पिग उसके पास आ रहा है, और ये देखकर गुल्ली वहाँ से बहुत ही तेज़ी से भाग जाता है और वो सीधे गाड़ी की तरफ जा रहा होता है। गुल्ली काफ़ी तेज़ी से दौड़कर गाड़ी के पास जाता है। गुल्ली दौड़ते दौड़ते गाड़ी के पास पहुंच ही जाता है, और गुल्ली जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचता है वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को चाबी लगाता है और स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है असली बाबा को ढूंढने के लिए और शॉन को ये सब बताने के लिए। गुल्ली बहुत ही तेज़ी से गाड़ी भगाते हुए वहाँ से निकल जाता है।
और इधर खूनी पिग गुल्ली को जाता हुआ देख लेता है और वो गुल्ली की तरफ देखकर अपना सिर यहाँ वहाँ घुमाने लग जाता है। और इसके बाद खूनी पिग पीछे देखता है और उसे बुल्ली दिखता है। तो दोस्तों, क्या होगा बुल्ली का? क्या बुल्ली मर चुका है या फिर वो जिंदा है? और क्या गुल्ली गुल्ली को बचा पाएगा या फिर वो अकेले ही वहाँ से भाग चुका है, वापस नहीं आएगा? ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।